सब्सक्राइब करिए धनु की दुनिया यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। जय श्री राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया में। मित्रों, बात करेंगे धनु राशि वाले जातकों का 5 से 7-8 नवम्बर, ये 4 दिन नवम्बर महीने के धनुराशि वाले जातकों के लिए कैसे रहेंगे, ग्रह नक्षत्रों की क्या चाल है, कैसे परिवर्तन हुए हैं, इसका असर आपके इन 4 दिनों के दैनिक राशिफल पे कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से, भाई बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे YouTube चैनल धनु की दुनिया पे मित्रों पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ धनु राशि वाले जातकों के लिए ही वीडियो मिलती है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं ये 4 दिन धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसे रहने वाले हैं। दोस्तों, जो धनु राशि के जातक हैं उनके लिए ये जो 4 दिन हैं, अपने सभी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। आपकी वाणी का मधुर्य यानी कि वाणी में जो मधुरता है, निखार जो है, कार्य में सभी प्रकार की आपकी मदद करेगा, सारी समस्याओं को दूर करने में आपकी मदद करेगा। संचार माध्यमों से नए संपर्क बनेंगे, जब भविष्य में व्यावसायिक उपलब्धियों के कारण भी बनेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र का सफलतापूर्वक विस्तार इन 4 दिनों में कर सकते हैं। परिवार के सुख समृद्धि के लिए आप व्यय करेंगे यानी कि कहीं इन्वेस्ट करेंगे। पारिवारिक कार्यों में जीवन साथी का सहयोग इन 4 दिनों में मिलने वाला है। विदेशों में कुछ विदेश जो है, विदेशों में कोई संपर्क थे आपके, वहां से कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है इन 4 दिनों में, जिससे आपके मन को जो मन में है बड़ी प्रसन्नता होगी। बड़े भाइयों का विशेष सहयोग इन 4 दिनों में मिलेगा, जिससे आपकी उन्नति तय है। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है इन 4 दिनों में, उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। आर्थिक उन्नति होगी लेकिन पारिवारिक खर्चों में बढ़ोतरी थोड़ा आपको परेशान कर सकती है, मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। दोस्तों, आपको हमारी सलाह रहेगी कि अनावश्यक दिखावे से आपको बचना चाहिए, कहीं भी शो ऑफ करने से आपको बचना चाहिए। व्यापारिक वर्ग के जो लोग हैं, यह समय नई योजनाओं को महत्व रूप देने के लिए बना है। कोई भी नया काम आप शुरू करिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा इन 4 दिनों में। स्वास्थ्य में इन 4 दिनों में सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन सावधानी बनाए रखें। जो आप नियमित जो दवाई ले रहे हैं, उसका अगर कोई किसी समस्या को लेकर आप दवा ले रहे हैं तो उसका सेवन करना ना छोड़ें, रेगुलर रखें। परंतु स्वास्थ्य में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा इन 4 दिनों में देखने को मिलेगा। दोस्तों, प्राणायाम तथा दैनिक व्यायाम जो होता है उसको अवश्य करिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सुझाव है, सूर्यदेव को जल अर्पित करिए। निर्धनों तथा जरूरतमंदों की सहायता करने से आपके यश में वृद्धि होगी। तो मित्रों, ये था आपके 4 दिनों का दैनिक राशिफल। उम्मीद करता हूँ मित्रों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए हमारे YouTube चैनल धनु की दुनिया पे। मित्रों पहली बार आए हैं तो धनु की दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ धनु राशि वाले जातकों के लिए ही वीडियो मिलती है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखिए। ये 4 दिन मंगलमय बीते, शुभ बीते, अच्छा बीते, यही कामना करते हैं। जय श्री राधे, जय भोलेनाथ।